नमस्कार, मेरे शेर और शेरनी हो, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ शाम 4 बजे मैं आपको सीबीएसई क्लास 10th की मैथ्स को ख़त्म करा रहा होता हूं। उसकी सीरीज़ में हमारा 13 लेक्चर आ चुका है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी कुछ ख़त्म कर चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है, उसमें आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और उसको अच्छे से समझते रहेंगे, ओके ना। तो आज हम 8.4 की कुछ आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही इजी वे में उनको कैसे प्रूफ करना है। मेनली हम लोग को दिक्कत किस में आती है, प्रूविंग में दिक्कत आती है बच्चों। तो प्रूविंग को हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर ख़त्म कर रहे होंगे बहुत ही आसान वे में। एक दो पुटिंग इधर उधर देखेंगे और वहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से, और आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है ना। सिर्फ आप पढ़ें और पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया बेटा। आप पढ़िए और बाकी लोगों को भी पढ़ाइए। तो इस वीडियो को शेयर करने का काम आप ज़रूर करें, और हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर आज। तो ये है हमारी 8.4 एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। पहला क्वेश्चन मैंने बेटा 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 5th क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ, और इसको हम लोग कैसे इस पर कमांड करेंगे वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली आपको जब प्रूविंग दी जाती है तो आपसे क्या कहा जाता है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको पहले करनी है प्रूविंग, वो भी क्या करना है आपको, पहले LHS ली जाती है बेटा, ठीक है। LHS तो नहीं, आप RHS भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 90% क्वेश्चन में LHS ही ली जाएगी। LHS में बेटा हमें दिया क्या है, cos sec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ओके। इतनी सी बात तो दी है, और RHS हमें प्रूफ करके लाना है। तो हमें करना क्या होगा, एक साइड को पकड़ लिया LHS को, इसी को किसी भी तरीके से आइडेंटिटीज, रिलेशन, रेशियोज, किसी भी तरीके, प्रूविंग में ये होता है बेटा, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सभी को आप किसी भी वे में यूज़ करिए, बस हमें प्रूफ करके दिखाइए, प्रूविंग में ये होता है। तो आपने 8.1, 8.2, 8.3 उसमें जो कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, और सबको लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। इतना अच्छे से पढ़ाया है, अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि आप भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और हम आपको और अच्छा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, यहाँ पर बेटा देख पा रहे हैं आप क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉस आ रहा है और कॉस आ रहा है। तो क्या ऐसा ना करें कि इन जो दोनों हैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 99% क्वेश्चन में साइन कॉस में चेंज करके ही प्रूविंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है और बहुत आसानी से प्रूव भी हो जाते हैं वो, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखिए इसको बेटा लिख देंगे 1/sin θ, ओके। माइनस कॉट थीटा को बेटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये बात बच्चों को सबको पता है, बोलिए पता है ना बेटा। अब बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम साइन थीटा ही है नीचे सेम बेटा, तो साइन थीटा ही एलसीएम इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से आपको, ओके ठीक, ओके ना। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना था तो साइन थीटा ही था बेटा, तो वहाँ पर एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब करेंगे क्या बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बेटा ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ब्रैकेट के ऊपर, ये दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पर, ठीक है ना। कि ब्रैकेट के ऊपर कोई अगर स्क्वायर लगा होता है तो जितने भी उसके अंदर टर्म्स हैं उन सब के ऊपर वो स्क्वायर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ना खोल कर, ठीक है, इसको ऐसे लिखे रहने दें, इसका जो स्क्वायर है वो निकाल लें, कितना हो जाएगा बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा। सर आपने ऐसा क्यों किया बेटा, इसका यूज़ जो है वो अभी एक स्टेप 10 सेकंड वेट कर लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, ये बच्चे बता रखा है आपको हमने। अब करना है क्या है आपको, यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर थीटा बच्चे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर आ रहा है, बस यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि साइन स्क्वायर की जगह पे आप वो पुट कर दीजिए,
ऊपर क्या आ रहा है बच्चे, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे क्या आ रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ से, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ से आपको। अब बस हल्की सी अलजेब्रा, वही एक लौती जो आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको दिमाग में रट लो, वो इतनी बार यूज होगी कि आप भूल जाओगे कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो करना क्या है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं वन स्क्वायर, ठीक है, बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत बार लिख चुका मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी आपने देखी होगी, ठीक है। तो करना क्या है, इसको इसी फॉर्म में समझना है, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख देंगे वन प्लस कॉस थीटा, और साथ में वन माइनस कॉस थीटा। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे बच्चे, वन माइनस कॉस थीटा दो बार आ रहा है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ से ये कटेगा और इसकी बेटा एक पावर कटेगी, एक रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, एक पावर कटेगी और एक पावर बच जाएगी। बचने के बाद रहेगा क्या बेटा, बचने के बाद रहने क्या वाला है, तो ऊपर क्या बचे बच्चे, वन माइनस कॉस थीटा, एक पावर कट गई, स्क्वायर था पहले, अब ये रह गया, और नीचे वो कट गया, कितना है बेटा, वन प्लस कॉस थीटा। आप देख पा रहे होंगे बेटा, आरएचएस में वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना था, और आपका आ क्या गया है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा आरएचएस। जब तक आपका एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आएगा, तो प्रूफिंग किस बात की, है ना, प्रूविंग कहाँ की आपने। तो जब तक आपका आरएचएस ना आए, तब तक आप क्वेश्चन में लगे रहिए, सॉल्व करते रहिए। दो बार गलत होगा बच्चे, तीन बार गलत होगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको फील आने लगेगा कि इसमें क्या होना है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या होना है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन से ही सोचें कि अरे मुझे पहले पता चल जाए कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूविंग में खास तौर पे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है ना। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, बेशक बेटा कुछ गलतियां होंगी स्टार्टिंग में प्रूविंग में, कि आप किसी और आइडेंटिटी को लगा देंगे और लग कोई और रही होगी, तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन फिर उसको फिर से करना है दूसरी आइडेंटिटी से। धीरे धीरे जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, उसके बाद उन प्रूविंग को आप बहुत आसानी से कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको उसमें कमांड करवाने में बहुत हेल्प करने वाला हूँ। इन वीडियोज़ में आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन आपके सामने, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए एंड वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस, ठीक है ना बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा कि क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये इसमें भी बेटा वही चीज़ है, कॉस साइन वन साइन कॉस पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं, कॉस और साइन में तो जो बहुत आसान है बेटा, इसमें तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एल सी एम प्लस माइनस, उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेटा एल एच एस ले लेते हैं, ठीक है ना, एल एच एस ले लेते हैं, इसमें हम लोग एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस बेटा क्या है हमारा, ठीक है ना, एल एच एस क्या है हमारा बेटा, बोलो जरा कमेंट्स में बोल दिया करो थोड़ा बहुत, है ना, वैसे तो बहुत मैसेज करते हो लोगों को, यहाँ भी मैसेज कर दो। चलो भाई, एल एच एस क्या कहना चाह रहा है बेटा, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब जो वहां पर न्यूमरेटर में है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो हम इसको क्वेश्चन करेंगे बहुत आसान से और आराम से, आपको समझ में आने वाला है, बस आप बैठे रहिए शांति से, अपने ऐसे तकिया लगा के और बस समझते रहिए, ठीक है। करना क्या है बेटा, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे बेटा, वन प्लस साइन ए कॉस ए जब ये कन्वर्ट तो हो नहीं सकते, तो एज इट इज एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना, वन प्लस साइन ए कॉस ए सीधे सीधे एलसीएम आ जाएगा। अब इससे ये बनाने के लिए कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा बच्चे,
कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके ठीक है ना। अब इसको ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो वन प्लस साइन ए पहले से है, एक वन प्लस साइन ए और आ गया, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है ना, अगर कोई भी दिक्कत हो बेटा तो कमेंट्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं आपकी दुख दर्द जो भी तकलीफ है आपको, आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ये चीज़ हो गई आपको बेटा। अब आपको करना क्या है, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, तो बेटा ये इसलिए कह दिया क्योंकि प्रैक्टिस है हमें। ठीक है, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी ऐसे ही कह देंगे चुटकियों में। ठीक है ना, तो दूसरा आपसे कहेगा सर आपने ऐसे कैसा कह दिया, तो आपको हमारे जैसा बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि सर इसमें करने वाले क्या हैं, उसी तरीके से हमें भी करना होगा। ठीक है, तो आप बस जुड़े रहिए और थोड़ा अपने दिल से ट्रिग्नोमेट्री को फील कीजिए। मार्क्स दिलवाने वाली है बेटा आपको एग्जाम में ये। ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से पढ़ना। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा तो क्या आएगा देखिए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर तो पहले से ही है बच्चे, और वन प्लस साइन स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है बच्चे। तो टू इंटू वन इंटू साइन ए तो कितना होगा साइन ए। ये बेटा मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है बेटा, वन प्लस साइन ए, ओके वन प्लस साइन ए, और साथ में चल रहा है बेटा कॉस ए। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं जो आपको आंखों में उतर जानी चाहिए, एक ये बेटा टर्म और एक ये टर्म। ठीक है ना, आपको दिख पा रहे हैं ये टर्म्स। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी पहले ही वाली याद होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है ना, और वन पहले से भी है एक, और साथ में क्या है टू साइन ए। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ बेटा, आप भी इसको ऐसे ही करना जैसे मैं करने जा रहा हूँ। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ओके गॉट इट। तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, टू प्लस टू साइन ए, ठीक है ना, और नीचे क्या चल रहा है, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ओके ठीक है। अब बेटा ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा बेटा, टू जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो टू हमारा कॉमन आ सकता है वहां से, तो टू को हम कॉमन ले लेंगे बच्चे। टू को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, वन प्लस साइन ए बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, वन प्लस साइन ए। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर हाँ बिल्कुल प्रूफ आने वाला है हमारा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो करना क्या होगा, आपको देखना है बस आंखों से, उतना तो आप कर ही सकते हैं। ये जो वन प्लस साइन है ये मल्टीप्लाई में है, और ये वन प्लस साइन है ये मल्टीप्लाई में है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या बेटा आपका, टू अपॉन कॉस ए ये बचेगा। और बेटा कॉस ए को जब ऊपर लिखेंगे आप न्यूमिनेटर में आके, तो ये सेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बेटा कैसा लगा क्वेश्चन, आप कहेंगे सर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, बेटा बिल्कुल खत्म हो गया। प्रूविंग देखिए, अब क्या लाना था आपको बेटा, टू सह के लेके आना था, और आपका प्रूविंग में आसानी से टू सह के मैं लेके आया हूँ, और आपको भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, एलसीएम लेना था, एक आइडेंटिटी यूज करनी थी, एलजेब्रा का एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था, उसके बाद इनको टर्म्स को देख कर वन प्लस वन करना था, टू कॉमन लेना था, उसके बाद कैंसिल आउट करके आंसर लेके आना था। तो आप देख पा रहे होंगे जितना हम इसका हवा बनाते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग तो भगवान मचाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा वक्त देना है उसको, थोड़ा समय देना है, और वो आपके कदमों में झुक जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, आपके फुल मार्क्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सेक्शन में। बाकी चैप्टर्स में जब कराऊंगा तब उसकी बात करूंगा, अभी सिर्फ मैं ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप मेरी वीडियोज़ को सारा देखेंगे और सारा एक 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 लेक्चर से आप समझते हुए चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बेटा, ये क्वेश्चन एक टॉप क्लास क्वेश्चन है, इसकी प्रूविंग भी कम से कम 3 पेजेस में जाने वाली है, लेकिन हम इसे कराएंगे और आप इसको समझेंगे भी,
मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम 2-3 बार में इसको देखेंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको कराएंगे और आप बहुत अच्छे से उसको समझने वाले हैं, ठीक है? तो आ जाइए। मैंने क्या कहा बेटा आपको, क्या आ रहा है? टेन कॉट कॉट टेन सेक कॉसेक, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये आसान वे में हो जाएगा। तो करना क्या है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है हम लोगों को। तो बेटा देखिए जरा, आ जाइए क्वेश्चन पे, बहुत बेटा फोकस रहिएगा इस क्वेश्चन में, बीच में उठ के कहीं में चले जाना वीडियो के इसमें, ये क्वेश्चन पूरा देख के ही जाना है, ठीक है? चलो, टेन थीटा को बेटा लिख देंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक? टेन थीटा को लिख दिया, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को बेटा लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, ठीक है ना? आप देख पा रहे हो कि पहली टर्म इतनी बड़ी खुल गई, प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके? और नीचे क्या चल रहा है बेटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप कहेंगे अरे सर पहली टर्म ही इतनी बड़ी खुल गई, अब क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा, आप जुड़े रहिए वीडियो से और देखते रहिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें कर क्या सकते हैं, ऊपर तो अभी डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, प्लस बीच में लगा हुआ है, तो नीचे एलसीएम लेने का एक हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, तो हम इसका एक एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? एलसीएम लेना ही हमारा एक फंडा बचता है, एलसीएम लेते हैं बेटा, ठीक है? तो आओ जरा एलसीएम लेके देखते हैं इसका। चलो, तो करना क्या है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नई सेट पे आते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इसको उधर से लेते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए इस वाली वीडियो, इस वाली स्लाइड में। चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेक्शन हो जाए ताकि ज्यादा पीछे ना करना पड़े। इधर से आते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा चल ही रहा था, अपॉन बेटा क्या चल रहा है, साइन थीटा, जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो साइन थीटा यहाँ पहुंचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है बच्चे, साइन थीटा, ओके? आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे करना पड़ रहा है वो मेरी हेडक है, आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है, ठीक? और पीछे क्या आ रहा है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और बेटा एलसीएम में देखिए अब क्या आएगा, ठीक है ना? कॉस थीटा यहाँ पर आएगा और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे चल रहा है बेटा कॉस थीटा, ठीक है? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही इजी वे में बेटा, एक बार पूरा करा के मैं फिर से आपको पूरा स्टेप बाय समझाने वाला हूँ, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत कि सर क्वेश्चन हार्ड करा रहे हैं हम जा रहे हैं, क्वेश्चन हार्ड होगा तो आप चले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ईजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ से हो क्या सकता है, अब बेटा ये साइन थीटा जब ऊपर जाएंगे, क्योंकि और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा कि बेटा इनका प्लस करते हैं कैसे करते हैं, जब ये डिनोमेटर डिनोमेटर है, न्यूमरेटर डिनोमेटर है, पीछे प्लस लगा रहा है, तो और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है? जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चे, इस वाले से, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टेप बहुत जरूरी है समझना, ठीक है? मैं बोल क्या रहा हूँ कि जब ये इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन थीटा के सामने आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करनी नहीं है, सिर्फ लिख देना है कॉस थीटा, और साथ में क्या रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके? इतनी बात समझ में आई, ये हुई बेटा एक टर्म, ये एक टर्म हुई हमारी बस। अब प्लस लगाएंगे, इसको देखेंगे, इसमें भी बेटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी जाके, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई आपकी, इतनी बात दिमाग में भेजे में घुसी आपके, बोलिए, ठीक है ना? अगर आपको 50-80% भी समझ में आ रहा है तो काफ़ी है, मैं दूसरी बार समझाऊंगा फिर से, टेंशन मत लीजिए आप, बस जुड़े रहिए, ठीक है? तो करना क्या है, ये पूरी एक टर्म है बेटा, ठीक है? अब आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर सर सेम होते तो हम एलसीएम ले भी लेते, लेकिन यहाँ पर माइनस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है,
करना क्या होगा, आपको सेम करने के लिए इस छोटा सा स्टेप करना होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो माइनस का साइन थीटा प्लस का बन जाएगा इसकी तरह, और प्लस का कॉस थीटा माइनस का बन जाएगा इसकी तरह। तब दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, फिर एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। वही स्टेप अगर आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन वहीं पर खत्म होने वाला है, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन रह गया है अब आगे तक। चलिए तो करना क्या होगा आपको, पहली पहली बेटा वो तो ऐसी रहेगी, ठीक है। पहला तो यही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था बच्चे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो बेटा पहली टर्म है, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको, इसमें बेटा माइनस साइन जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ का मतलब यहाँ, और यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस होगा और ये प्लस आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बोलो कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आया। आपने माइनस साइन जब कॉमन लिया डिनोमिनेटर में तो पूरे फ्रैक्शन पे तो लगेगा वो पूरा का पूरा। तो आपने जब माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया तो वो पूरे फ्रैक्शन को माइनस कर देगा, और बाहर क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। बचा क्या बेटा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये उल्टे हो जाएंगे साइन थीटा, और ये बेटा क्या बन जाएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके अब बात समझ में आई आपको, बोलिए है आसान, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं मानता हूँ, देखिए गलत चीज़ नहीं बोलता मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई एक्सेप्ट, लेकिन आप भाग जाएंगे उससे छोड़ छाड़ के कि करूँगा ही नहीं करूँगा ही नहीं, तो और भी टफ है वो तो और टफ है, इसलिए आपको उसको फाइट करना है, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए ज़रा। तो क्या करना है बेटा आपको, अब देख पा रहे होंगे आप बेटा यहाँ पे, अगर इनका आप एलसीएम लेंगे, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में सेम है, तो ये तो आएगा ही आएगा, और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा डिनोमिनेटर पे, ये दोनों सेम है। इधर साइन है इधर कॉस है, अगर इनका एलसीएम लोगे तो चुपचाप क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन पूरा कराते नहीं है टीचर्स, घर से करने को दे देते हैं, और घर मतलब हम ही तो हैं आपके लिए यहाँ पर फ्रेंड, आप कति तकिया लगा के सो रहे हैं घर पे लेटे हुए हैं, तब हम ही तो आपके पास हैं। तो आप इस क्वेश्चन को हमसे समझिएगा और स्कूल में समझाइएगा जाके कि कैसे होता है लंबा लंबा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो बेटा भौकाल है बिल्कुल एकदम से, तो क्या होगा बेटा कॉस थीट, इससे बेटा ये बनाने के लिए क्या आपको लगता है चेंज करना पड़ेगा, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें बेटा साइन थीटा है उसमें नहीं है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, साइन थीटा से, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो बेटा ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, बेटा यहाँ पर भी आपको किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कॉस से करनी पड़ेगी, ऊपर भी बेटा कॉस है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस क्यूब थीटा, है ना बेटा। क्यूब तक बात पहुंच गई है, अब सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन अब हाई लेवल चला गया, आप देख पा रहे होंगे क्यूब आ गया, आप तो लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि भाई क्यूब भी आ गया अब तो। तो बेटा आपको क्यूब की आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, है ना, क्यूब की एक आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख के तो दिखाते पहले, क्योंकि बच्चों को रिवाइज नहीं करवाया तो क्या करवाया, है ना। आपने सुना होगा बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या आता है प्लस आता है, ठीक है। माइनस मत लगाना कि माइनस होता है तो माइनस लगा दो आप, ठीक है। इस आइडेंटिटी को याद रखो, इस क्वेश्चन में जब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तब तब आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, वरना पूरा क्वेश्चन आते हुए भी आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में जो जो यूज़ हो रही है वो सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए ना, ठीक है ना। ये थोड़ी फॉर्मूला है वॉल्यूम का, एल इन टू बी इन टू एच लगा दिए, बस लेंथ दी ब्रेथ दी हाइट दी हो गया क्वेश्चन, इसमें बेटा बहुत कुछ लगता है, बस इसीलिए लोग डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, इसीलिए थोड़ा सा घबराते हैं बच्चे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बेटा सर यहाँ पे इसका क्या यूज़ है, बेटा यहाँ पे आप देखो, ये अगर मैं ए ले लूँ और ये मैं बी ले लूँ तो क्या ये सच बात नहीं हो जाएगी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू,
और अगर इसको साइन थीटा ले लिया गया और इसको कॉस थीटा ले लिया गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? आओ ज़रा लगाते हैं इसको, और ये जब लग गया ना तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा बेटा। क्या होगा, साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना? आया समझ में ये चीज आपको? आया ना? चलो और आ जाओ, एक दो तीन स्टेप और रह गए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। नीचे क्या चल रहा है बेटा इसके डिनोमिनेटर में, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चल रहा है। अब आप देखिए ऊपर कुछ कन्वर्ट हो सकता है बेटा, आपको फिर से आंखों में चमक उठी होगी, आपको एक कुछ दिखा होगा आपको बड़ा सुंदर सा, ठीक है ना? ये दो टर्म्स आपको बार बार रिपीट हो रही हैं आपके दिमाग में, ये सेट होती जा रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है ना? तो आप देख पा रहे होंगे बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ठीक है ना? तो आ जाओ ज़रा इसको तो ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। नीचे क्या है, बस खत्म है बेटा, खत्म है क्वेश्चन, पोस्टमार्टम हो गया बेटा, अब बस रिपोर्ट आना बाकी है, ठीक। चलिए यहाँ पर माइनस है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें ऊपर भी दिख रहा है न्यूमरेटर में, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, तो क्यों ना सर हम इसे कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि सर तीनों टर्म चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में ही तो हैं। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही, आप आज समझ गए हैं बिल्कुल सही से, इसको और इसको बिल्कुल उड़ा दीजिए, बिना देरी करिए, बिना देरी करे इसको उड़ा दीजिए। क्या बच रहा है हमारा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना? इतना बड़ी बड़ी टर्म्स थी और रह कितनी गई बेटा, छोटी सी अब एक टर्म रह गई हमारे सामने, अब इसको सॉल्व करना रह गया है। तो बेटा आप ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसको अलग अलग लिख लीजिए, एक बार वन के नीचे लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस एक बार उसके नीचे लिख दीजिए, ऊपर क्या है बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा ये क्या हो रहा है, ये तो उड़ा दो इसको भी बेटा, सब कुछ उड़ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, आते हैं आंसर छोटे छोटे से, ठीक है ना? ये उड़ गए बेटा, क्या बचा बेटा यहाँ पर, क्या बचा बेटा यहाँ पर बेटा, इन दोनों रेशियोज को ऊपर करना पड़ेगा, तो साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना? और कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस। बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, कौन बताएगा बेटा कमेंट्स में, यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर बेटा क्या बचेगा जब दोनों कैंसिल आउट होंगे, जीरो बचेगा, जीरो, हाँ जीरो बचेगा, नहीं बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, वन बचेगा। एक जब डिवाइड में जब चीज़ें कटती हैं दूसरे को तो वन बचता है ना कि जीरो, अगर माइनस में अगर कटती हैं तो जीरो बचता है, ए माइनस बी अगर सेम सेम है तो कट के जीरो आएगा, लेकिन ए अपॉन ए वन आता है, ठीक है? तो ये बन गया बेटा हमारा। तो सर क्या और कुछ भी करना है इस क्वेश्चन में अब? तो मैंने आपसे कहा बेटा बिल्कुल नहीं, अब आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप देखिए मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था 3-4 स्लाइड्स में जाएगा, तो कम से कम 4-5 स्लाइड्स में ही गया है। आपको बेटा प्रूफ क्या करना था, वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और हमारा प्रूफ आया क्या है बच्चे, वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, फिर वो उधर लिखा है वो उधर लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसके बराबर आ गया बच्चे, आर एच एस के बराबर ये आ गया है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेके दिलवा दूंगा ताकि ये क्वेश्चन आप
समझ के कर पाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना लेंदी था बेटा आज का कि आप इसी को आज करिएगा कम से कम 2 बार, कम से कम। और मैंने आपसे कहा था मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, तो बिल्कुल ठीक है, आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता हमारा ये था बच्चे, कॉट थे, टेन थे, कॉसेक था, सेक में प्रूविंग। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे आसान वे है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना। टेन को हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद कॉट को कर लिया, यहाँ पर भी कॉट को कर लिया और टेन को कर लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने आपसे कहा कि हम कुछ और तो कर नहीं सकते लेकिन एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने इसका एलसीएम लिया बेटा। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, साइन थीटा यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। अब मैंने आपसे क्या कहा, और क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि इस रेशियो में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो मैंने आपसे कहा साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा कितने हो गए, साइन स्क्वायर थीटा हो गए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वही चीज़ इस वाली टर्म में हुई, कॉस थीटा बेटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इनकी मल्टीप्लाई एज इट इज रख दी। बेटा एक बात बहुत ही प्रिकॉशन बता दूं आपके लिए, अगर आपने इनकी मल्टीप्लाई कर दी ना अंदर साइन थीटा की कॉस से और ये सब, तो आप भूल जाइएगा कि आपकी कभी प्रूविंग हो पाएगी, आप घर जाइए, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, और कह दी दुनिया में गाना गा दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हुई ना किसी और से होगी, ठीक है। और अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई नहीं की तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर जाएंगे, और आप कहेंगे बाहर आके कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, मैंने भी की है और आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाहर ही रखेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। हाँ, एक माइनस साइन कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट समझाया था, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। अगर आप एलसीएम लेते तो आप एलसीएम नहीं ले पाते, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम टर्म होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, आपको माइनस साइन कॉमन ले दवा दिया, तो माइनस प्लस कितना हो गया, वहाँ जाके माइनस का बन गया। उसके बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गए, और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गए, तो दोनों का एलसीएम लेना बहुत आसान हो गया। अब हमने क्या किया, जब एलसीएम लिया तो ये पाया कि यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई की, तो ऊपर भी किया तो कितना हो गया क्यूब, और यहाँ पर भी कॉस हो गया क्यूब। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा एक यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा था, तो मैंने क्या किया, आपसे एक आइडेंटिटी आपको दिखवाई कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है रियलिटी में, उसको ही मैंने यहाँ पर अप्लाई करवा के दिखाया। ए की जगह पर हमने साइन थीटा ले लिया, बी की जगह पर हमने कॉस थीटा ले लिया। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है 1, तो यहाँ पर हमने देखा और कॉस थीटा साइन थीटा कट गए। बाद में हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिख लिया और क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन आज मैं कम करा पाया आपको, लेकिन ये क्वेश्चन इतना लेंदी था बेटा, यही काफ़ी टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स से, लेकिन इतने लेंदी नहीं है। ये लेंदीएस्ट क्वेश्चन था हमारी पूरी एक्सरसाइज का, जो हमने आज खत्म कर लिया है। इस वीडियो को आप अगर आप देखें अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोगों को शेयर करिए बेटा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, जितने भी आप लोग कम देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं लोग, वो मैटर नहीं करता। जितने भी लोग देख रहे हैं अगर वो अपनी पूरी जान लगा दें, तो ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सकती है और बहुत लोगों को ज्ञान मिल सकता है, बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हो सकते हैं। तो आप मेरी बात को सुनिए, मेरे लिए ना सही तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो गांव में रहते हैं, जो बहुत दूर दराज में रहते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, जो भी हैं, उनको शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट बना रहा हूँ अभी, उस पर मेरा काम चल रहा है, हमारी टीम जो है उस पर काम कर रही है। जैसे ही वो काम हमारा पूरा हो जाएगा, मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, जो आपके अभी सेमेस्टर 1 होने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट जिसमें भी होगा, उसमें वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप अभी इन वीडियोस को अच्छे से समझते जाइए। ये वीडियोस बड़े चलती रहेंगी, जो इनका रेगुलर टाइम है ये चलती रहेंगी, वो वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रहिए, अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के बारे में सोचिए, जो आसपास हो रहा है उस पर कम सोचिए, ठीक है ना। जो आसपास हो रहा है वो बहुत छोटा है आपके माँ बाप के सपने के लिए, ठीक है। तो पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, इसके लिए रोज़ मेहनत करनी होगी, एक दिन में कुछ नहीं होता। रोज़ मेहनत करेंगे, रोज़ बढ़ेंगे और रोज़ गिरेंगे, है ना, रोज़ बढ़ेंगे रोज़ गिरेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं है बेटा। जब रुक गए तो आपका खत्मा हो गया वहीं पे, खत्म बेटा, डैन टाटा बाय बाय, है ना। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है, एक कदम चलिए लेकिन चलिए जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखने वाले हैं, कल की वीडियो सेम टाइम पर आने वाली है। कभी कभी लिटरली लेट हो जाती है वीडियो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम पूरा कोशिश करती है कि सेम टाइम पर ही शुरू हो, 10-15 मिनट हो जाते हैं बेटा,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज बिल्कुल सेम टाइम पे क्लास शुरू हमारी। तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, कल इसी क्वेश्चन के आगे से शुरू करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो रखे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का अगले पार्ट्स करेंगे। पूरी एक्सरसाइज को इतना आसान वे में खत्म करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।